दौसा से इस वक्त बड़ी खबर है। 5 युवकों पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़िता के परिजनों ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मंडावर के एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। आरोपियों में राजगढ़ विधायक के पुत्र का नाम भी शामिल है। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। ब्लैकमेल कर घर से चोरी करवाने का भी आरोप है। पीड़िता के घर से 15 लाख की नकदी और जेवर चोरी किए गए। फरवरी 2021 का ये घटनाक्रम बताया जा रहा है। मंडावर थाने में दर्ज हुआ है प्रकरण। महुआ सीओ मामले की जांच कर रहे हैं। बेहद अहम खबर दौसा से, जहां जांच इस पूरे मामले को लेकर जारी है, लेकिन 5 युवकों पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप है। पीड़िता के परिजनों ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। मंडावर के एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप है इन 5 आरोपियों पर। आरोपियों में राजगढ़ विधायक के पुत्र का नाम भी शामिल है। आरोप ये भी है कि अश्लील वीडियो इन लोग ने बनाया और इस वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया है। ब्लैकमेल कर घर से चोरी करवाने का भी आरोप है। पीड़िता के घर से 15 लाख की नकदी और जेवर चोरी किए गए। फरवरी 2021 का ये घटनाक्रम बताया जा रहा है। मंडवार थाने में ये प्रकरण दर्ज हुआ है। महुआ सीओ मामले की जांच कर रहे हैं। दौसा संवाददाता लक्ष्मीकांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत, 1 साल पुराना ये मामला बताया जा रहा है। 5 आरोपियों को लेकर मामले भी दर्ज किए गए। पूरी जानकारी चाहेंगे, पुलिस अब किस ओर, किस दिशा में, डायरेक्शन में कार्रवाई कर रही है? देखिए, बिल्कुल, जो पूरा घटनाक्रम है वो फरवरी 2021 का बताया जा रहा है। मंडावर के पास एक होटल में जिस तरह का एलिगेशन FIR में लगाया गया है, मंडावर के पास एक होटल में जो नाबालिग है उसको लेकर आया गया था। दूसरा जो इसमें सबसे गंभीर आरोप है वो नाबालिग के जरिए परिवार के 15 लाख रुपए और कुछ जेवरात जो है वो भी चोरी करवाने का इसमें एलिगेशन लगाया गया है। काफी हाई प्रोफाइल मामला ये बन चुका है, क्योंकि एक जो कांग्रेसी विधायक है उनके पुत्र का नाम भी इसमें शामिल है। तो पुलिस कहीं ना कहीं जो पूरे मामले को लेकर के काफी गंभीरता से जांच कर रही है और आज जो है वो पीड़िता का मेडिकल करवाया जाएगा। लक्ष्मीकांत, मामला दर्ज कब हुआ है, क्योंकि ये जो मामला है वो 1 साल पुराना बताया जा रहा है, फरवरी 2021 का, इतनी देरी क्यों? बिल्कुल, जो मामला दर्ज हुआ है वो कल देर रात ये मामला दर्ज हुआ है और जिस तरह से हमारी पुलिस से बात हुई है, पूर्व में भी इस तरह का एक जो प्रकरण है वो अलवर जिले में दर्ज हुआ था, जिसमें चोरी और जो राशि चोरी है इस तरह के आरोपों से लगाए गए थे। तो पूरा जो मामला है इसमें कितनी यथार्थ है, कितना सच्चा है, कितनी इसमें मैनिपुलेटेड चीजें हैं, ये इन्वेस्टिगेशन से पहले अभी पुलिस जो है वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं। चलिए, शुक्रिया लक्ष्मीकांत इस पूरी जानकारी के लिए।